साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई आपका मित्र एस के चौबे पोल खोल के इस छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता है। आप लोगों ने देखा कि अभी तक पोल खोल में वार्ड 85 वार्ड 88 की जिक्र किया, लेकिन बात आगे भी बढ़नी चाहिए। आज मैं आप लोगों को अपने इस कार्यक्रम पोल खोल के एपिसोड नंबर 6 में आ जाया हूँ वार्ड 86 के वेस्ट पटेल नगर में। आपको इसी पोल खोल एपिसोड नंबर 6 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रोड 20 नंबर रोड है, जो कि बलजीत नगर में आपका स्वागत है। डॉक्टर शैलो बराज जी निगम पार्षद अपना महापौर महोदया ने बोर्ड भी लगवा रखा है। ये 20 नंबर का रोड है, इसकी स्थिति देख लीजिए कितनी दयनीय स्थिति है। और ये एक दिन का नहीं है, प्रतिदिन का है। यहाँ इसी रोड पे आगे जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पर माननीय मेयर महोदया जी का मकान है। जो स्थिति इस रोड की है उससे गई गुजरी स्थिति इस रोड की है। पूरा नरक बह रहा है, पूरा सीवर ओवरफ्लो हो रहा है। मेयर महोदया से निवेदन करूंगा कि वे कम से कम निकट दृष्टि दोष का इलाज कराएं, क्योंकि नज़दीक दिखाई नहीं देता उनको। उन्हीं को नहीं, यहीं से जो विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी नहीं दिखाई देता। और वो दोनों लोग कम से कम अपनी आंखों का इलाज कराएं और अपने आसपास की गंदगियों को देखें, किसका निदान कैसे होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि ये रोड सीधे प्रेम नगर, नेहरू नगर, पंजाबी बस्ती, जोगी बस्ती, भील बस्ती, सबको जो है कि ये जोड़ती है ये रोड। यहां से तमाम लोग आते जाते हैं प्रेम नगर, नेहरू नगर और पंजाबी बस्ती बलजीत नगर के। ये मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि प्रेम नगर, नेहरू नगर, पंजाबी बस्ती, बलजीत नगर के लोगों, आप ही नरकी जीवन नहीं जी रहे हो। ये पटेल नगर वाले भी आप ही की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। मैं बता दूं कि इस रोड के जस्ट बगल में वार्ड 88 की जो पार्षद महोदया हैं डॉक्टर रुनाक्षी शर्मा जी, उनकी ये दुकान है हरद्वारी स्वीट्स के नाम से। मैं अपने कैमरामैन साथी से बोलूँगा कि इस दुकान को भी दिखाएं एक बार। ये हरद्वारी स्वीट्स, ये पिंटू शर्मा जी की दुकान है, उनके सामने ये जो एक व्यवस्था है। और आगे मेयर साहिबा का जो है कि मकान है, ऑफिस है, सब कुछ व्यवस्था उनकी यही है। आप इसी रोड पे देखिए, इसी रोड पे आगे पहला कट छोड़ के दूसरे कट पे उनका मकान है। और यह स्थिति बनी पड़ी हुई है कि बच्चे जब सुबह स्कूल में जाते हैं तो बेचारे किस तरीके से जाते हैं कि उनके घर वाले भी शूज़ रोज़ धुलने पे मजबूर हैं, कपड़े धुलने पे मजबूर हैं। तमाम जो है कि व्यवस्थाएं चरमराई हुई है यहाँ की। सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, सीवर डैमेज है, इसका काम मेयर साहिबा ने करना है। लेकिन उनको अपने घर के पास की, खास अपने घर के पास की समस्या दिखाई नहीं देती। आपकी समस्या है, आवाज़ आपको उठाना पड़ेगा, आपको अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप साथ दे सकते हैं, टीम फाटक संघर्ष समिति लगातार आपकी समस्याओं को लेकर के आपके बीच में रख रही है। अगर आप एकजुट होकर के इन नेताओं को भाव देना थोड़ा सा कम कर दें, इनके आगे पीछे घूमना कम कर दें, तो देखिए किस तरीके से आपके कामों पे इनकी दृष्टि पड़ जाएगी। आपकी समस्याओं को आपके साथ ही छोड़ करके मैं जा रहा हूँ, लेकिन उठाता रहूँगा इस पटेल नगर के छोटी छोटी समस्या का पोल खोलता रहूँगा। और इन नेताओं का जो अपना उसमें कुंभकर्णी नींद में सोए हैं, जगाने का प्रयास करूँगा। साथ में जनता को भी जगाने का प्रयास करूँगा कि आप अपनी समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ को मुखर करिए, बुलंद करिए, देखते हैं समस्याओं का निदान कैसे नहीं होता। बाकी आपकी समस्या आपके साथ, आइए मिलकर संघर्ष करें। नमस्कार।